हे प्रभु, धंधा बहुत ही मंदा चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमार कर ताकि वो रुपए लेके आए, तभी तो मैं आपको चरणों में 10 रुपए चढ़ाऊंगा। डॉक्टर साहब, कभी भगवान जी से लोगों के सुखी रहने की भी प्रार्थना कर लिया करो। अरे बाहुली नर्स, लोगों को दुकान पे जाके देख किस तरह सुबह शाम पूजा करते हैं, देखा नहीं तुमने? देख कैसे ग्राहक आवाज से। डॉक्टर साहब, डॉक्टरी में और दुकानदारी में फर्क होता है, वो लोग बड़े बिजनेसमैन होते हैं, समझे आप? मैंने कहा सत्संग भवन खोल रखा है, मैं भी तो बिजनेसमैन हूँ, मैं भी तो चाहूँ कि ज्यादा ज्यादा मरीज मेरी दुकान पे आवे। हे भगवान, घोर कलयुग है कलयुग, लोग ना डॉक्टर को भगवान समझते हैं, और आपको देखो, आप तो यमराज हो यमराज। क्या? कुछ नहीं, वो मैं तो ये कह रही थी कि ना मुझे ना आपके पास काम करते हुए ना पूरे 3 महीने हो गए, लेकिन आपने ना मुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी है। दे देंगे, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ, है? देख, अब ब्याह का सीजन शुरू हो रहा है, देखे कितने छोरे आएंगे, ताकत का नुस्खा बनवाओ। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने तो 2-4 मरीज से ज्यादा देखे ही नहीं इन 3-4 महीने में। वो देख, मरीज आ गया। डॉक्टर साहब, आ जाओ क्या? आ जा भाई, आ जा, बैठ जा। डॉक्टर मैं हूँ, वह तो नर्स है, बता के बीमारी है तुझे? डॉक्टर साहब, दिखाने को तो कुछ ना, आज से 15 दिन पीछे मेरा ब्याह है। समझ गया, तू चिंता ना करे, तुझे ऐसी दवाई दूंगा मर्दाना ताकत की, तो जिंदगी भर मुझे याद रखेगा, कसम फर्जी डिग्री की। ना ना डॉक्टर साहब, वैसे तो मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैंने कहा ना तुझे, डॉक्टर मैं हूँ या तो नर्स है। ना ना डॉक्टर साहब, तुम गलत सोच रहे हो, मैं तो नर्स को नू देख रहा था, अब मेरी बात का थोड़ा वजन सा बैठ जा। अरे ये तो मैं सब जानू, कसम फर्जी डिग्री की, तू आग गया भौंक। डॉक्टर साहब, एक तो मेरे बाल धोले हो गए, और दूसरा देखियो उड़ भी रहे, जो इस बात का मेरी लुगाई को पता चल गा तो मेरी तो बारात उल्टी लौट जाओगी। कसम फर्जी डिग्री की, मेरे पे ऐसा नुस्खा है 5-10 मिनट में तेरे बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। अच्छा? हाँ, डॉक्टर धमाल नाम है मेरा, डॉक्टरी वाला खानदानी पैसा है, चल मुंधा पड़। मुंधा? हाँ मुंधा। लो जी ठोको। देख धमाल का कमाल, मार दिया डॉक्टर, मर गया। तू ना मर गया, तेरा मरज मर गया, जा भीतर जा, सिरसा देख, वो ना मैं बढ़िया डॉक्टर, कसम फर्जी डिग्री की। डॉक्टर, बाल आने की कुछ बर्दाश्त नहीं हो रही, जहां बाल नहीं थे वहां भी बाल आ गए होंगे। डॉक्टर, ये क्या हो गया? अरे डॉक्टर साहब, आपने तो इसका फ्रेम ही बदल दिया। सड़े कमीने, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे रुक जा भाई, गलती से बाल सफा करने वाला इंजेक्शन लग गया तुझे, कसम फर्जी डिग्री की, इसका भी इलाज है मेरे पे। अगर मेरी बारात वापस आ गई ना, तो मैं तेरी इस नर्स को उठा के ले जाऊंगा और इससे ब्याह कर लूंगा। मैं ना करने की इस गंजे से ब्याह। अरे रुक जा भाई, मैं अपनी नर्स के थोड़े से बाल तेरी गंजी खोपड़ी पे चिपका दूंगा। ना 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 ना, मैं ना देने की अपने बाल इस गंजे की खोपड़ी के लिए, और वैसे भी मेरी जुल्फों के तो दीवाने हैं सारे छोरे, और फिर मैं इंस्टाग्राम पर रील कैसे बनाऊंगी? अरे रील बाद में बना ले, पहले मेरी जान बचा ले। अरे डॉक्टर साहब, आप भी ना बहुत गुलक्कड़ हो, ये लो जी इसका आधा ढक्कन ना अपनी खोपड़ी पर लगा लेना, 2 दिन में बाल आ जाएंगे। ठीक है जी, तुम कह रही हो तो मान लूंगा, अगर ना आए तो? तो मेरी नस्ल से ब्याह कर लेगी। ना 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 ना, मैं ना करने की इस गंजे से ब्याह। हाँ कर दे, हाँ कर दे। हाँ हाँ ठीक है, कर लूंगी इससे ब्याह। ठीक है, तो तैयार रहिए, अब फुट ले यहां से। कसम फर्जी डिग्री की, अगर आज तू ना होती ना, ये सांड तो मेरी जान ही ले लेता। अच्छा तो फिर लाओ, फिर मेरी तनख्वाह दे दो। दे देंगे, पहले भगवान से प्रार्थना तो कर कि मरीज आए। लो भाई, सब काम हो गया, देखूं जाके, मेरा खसम अभी तक उठा के नहीं। अरे ओ
हो नेस्तीमार मर्द, उठ जा, सुबह के 8 बज रहे हैं। अरे सुजाड़ रे, क्यों नींद आराम कर रही है? खड़ा हो जा ना, तो पानी की बाल्टी तेरे मुंह पे उलट दूंगी आके। चारा लिया खेतों से जाके? लेरा लेरा भाई, औरत ने, इस औरत ने मेरा जीना हराम कर दिया। दुश्मन है कति, मेरे पेट में दर्द हो रहा। तेरे पेट में दर्द ना हो रहा, तेरा शरीर हराम ही पड़ रहा है। डॉक्टर से जाके ना चुस्ती फुर्ती की दवाई लिया। ले आऊंगा ले आऊंगा, मेरी जेब तो खाली पड़ी। एक काम कर, डॉक्टर से दवाई ले ले, पेटीएम डाल दूंगी पैसे। बस ठीक है, पेट में बहुत दर्द हो रहा। हाय हाय हाय, पेट में बहुत दर्द हो रहा। हाय 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 हाय, बहुत दर्द है। बेवकूफ मान रही मुझे है? अब मैं डॉक्टर का जाऊंगा और 70 रुपए फालतू बिल के पेटीएम में डलवा लूंगा, और फिर डॉक्टर साहब पता 70 रुपए लूंगा, और फिर फर्स्ट क्लास 70 रुपए का पौवा दे दूंगा। इतना तो मैं होशियार हूँ। पागल मान रही। I love you, मैं तेरी रानी राजा तू करेंगे। अरे मेरे ऊपर क्यों चढ़ी आ रही है? डॉक्टर साहब, आपने मेरी सारी रील खराब कर दी। मुझे नहीं करनी आपके यहाँ नौकरी, मेरे पैसे दो, हिसाब करो। अरे अरे, तू नाराज क्यों हो रही? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब आ जा भाई, आ जा। और बता क्या बीमारी है? डॉक्टर साहब, चुस्ती फुर्ती रहते सारी रात दर्द के मारे। ला दिखा। अबे क्या कर रहा? तरने दुका दिखाने को? अरे बावले मैंने नुका, अपना हाथ दिखा। तो नुका हो ना, लो देखो। नसों में बहुत कमजोरी है। बहू है या भाग गई? अरे बहू तो है, तू इलाज कर मेरा। खानदानी घर के लगे? मैं समझा नहीं कुछ। कुछ नहीं कुछ नहीं, ला इंजेक्शन दो। ये लो डॉक्टर साहब। अब देख डॉक्टर धमाल का कमाल, सारी गली मोहल्ले की चाची भाभी तेरी दीवानी हो जाएगी। चल चल उल्टा लेट। अरे यो डॉक्टर का सुहाग खड़वा, मेरे लग गया तो बनाया देगा मुझे हलवा। अब देख डॉक्टर धमाल का कमाल। अरे डॉक्टर मर गया रे, मर गया। तू ना मर गया, तेरा मरज मर गया। चल खड़ा हो। इतना ठड़ा सुहाग ठोका लेकर जा के आ। चलो डॉक्टर साहब, शरीर में कुछ खांसी नहरी कुछ अजीब सा लग रहा। बेटे इंजेक्शन अपना काम कर रहा, ला 2000 रुपए दे। 2000? और घोड़ा का नहीं बना जा, 2000 रुपए दे। अच्छा ठीक है, फिर लाओ फोन का बार कोड दो मुझे, मेरी घरवाली इसमें डायरेक्ट पैसे भेजेगी। ओ थारा भला हो जा, ले स्क्रीनशॉट ले और बहू को भेज दे। पर डॉक्टर साहब एक बात ध्यान रखियो, 2070 रुपए बताने। वो क्यों? अरे 70 रुपए का मुझे देसी पौवा भी तो पीना। नंबर मिला, नंबर मिला। हेलो हेलो, मेरी प्यारी दमको, मैं बोल रहा हूँ तेरा जोली। मुझे पता है इतनी सड़ी सी आवाज ना तेरी हो सके। अरे डॉक्टर साहब ने मेरे सुहा ठोका, उसके 2070 रुपए भेज दे, मैंने तेरे पे स्क्रीन शॉट भेज दिया बार कोड का। ऐसा कौन सा कमबख्त डॉक्टर है जो एक इंजेक्शन के इतने रुपए मांग रहा है? ले बात कर डॉक्टर साहब। हेलो, अजी मैं बोल रहा जी डॉक्टर धमाल। तुमने डॉक्टरी की दुकान पे के जरूरत है इतनी लूट मार करने की? भला एक इंजेक्शन भी इतने रुपए का हो? अजी बंदे थारे आदमी में क्या इंजेक्शन भी तो ऐसा लगाया, घोड़ा बन जाएगा घोड़ा, रात दिन दुखी रखा का तुम्हें। ओए डॉक्टर के बच्चे, तमीज से बात करिए, ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगाया इसके? अजी वही वाला लगाया जो खोई हुई खुशियां वापस कर दे और थारा घर बच्चों से भर दे। फोन दिया इसे। लो जी। लाओ लाओ लाओ। हेलो प्रिय, आ जा तू, आज घर आ जा। आज ना मैंने भी तेरे सर पे बेलन बजाया ना, तो मेरा नाम भी दम को नहीं,
आज तेरी हालत खराब करके छोड़ूंगी और इसे डॉक्टर को भी ना बाद में देख लूंगी। हेलो 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 रमको लबे डॉक्टर साहब इन्हें तो फोन कर दिया इन देरी पैसे ना बात ना बता पैसे दे मेरे। अरे हाँ तुझे पैसे की लग रही है यहाँ हमारे घर में राड होगी मेरे मूत का डॉक्टर रखू तुझे दूंगा कहिए पैसे में। अब क्या हो गया सिर क्यों पकड़ लिया? अरे सिर क्यों ना पकड़ लूं कुत्ते का इंजेक्शन लग गया गलती से उसके। है? इसे कुतिया को देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा ऐसा जी करे से प्यार कर लो। कोई बात नहीं तुझे बाद में देखूंगा। यार यो खंबे पर टांग ठहर मूतने को जी क्यों कर रहा है मेरा है? टट्टी की इतनी बढ़िया मैं कह रही साला टट्टी खाने को भी मन कर रहा। ये साले कुत्ते के अंश क्यों बढ़ गए मेरे भीतर। चलूं घर घर चल के तुमको को बताऊंगा। यो कुत्ता भी हमेशा काम के टाइम पे परेशान करना आवे आज ने छोड़ दी इसे। लग जा मैं हूं मैं रे तो हां तेरा पति परमेश्वर हूं मैं। अब ये कौन सा नया ड्रामा है? अरे ड्रामा नहीं पता नहीं क्या हो रहा मेरे भीतर कुत्ते के लक्षण आ गए। पहले कौन सा आदमी के लक्षण थे? खैर छोड़ चल आराम कर ले। खड़ा होके चल ले। अरे नहीं मजा आ रहा तू नहीं चलने दे। यू के कर रहा है? अरे मैं कुछ नहीं कर रहा ये तो अपने आप हो रहा। यू आधा कुत्ता तो पहले ही था अब तो पूरा हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा इसे तो अब जंजीर से बांधना पड़ेगा। ना दमको मेरी आजादी ना छीन ये सारा करा धरा डॉक्टर धमाल का है। सही कह रहा आज उस डॉक्टर के कपड़े मैंने ना फाड़े ना तो मेरा नाम भी दम को नहीं। यार आज पूरा दिन हो गया कोई ग्राहक ही नहीं आया क्यों ना ये इंजेक्शन अपनी नर्स की लगा दूं। नर्स इससे कह दो हम भूत प्रेत का इलाज नहीं करते। नाक पीटे तू ही है ना डॉक्टर धमाल। कोई शक अरे क्यों मारी कौन है तू? मैं कुत्ते की ढाल की भौंक रहा सीधा सीधा बोल। या मेरी बहू बहू है? नास पीटे तेरे मेरे आदमी का कौन सा इंजेक्शन लगाया जो ये कुत्ता बन गया बोल। बहन जी थोड़ा शांत रहो है ठंडा रहो नर्स ठंडा जी अभी नहीं डॉक्टर साहब आप यहाँ बैठो बैठो मेरी पूरी बात सुनो उसके बाद ना चाहे मुझे खूब पीट लियो। नीचे क्यों बैठा वहां पे स्टूल पे बैठ जा। मैं यही ठीक हूँ तू यही मजे ले। बहन जी मन शांत तू सब कुछ शांत। लो लो डॉक्टर साहब मैडम को ठंडा पिलाओ। बहन जी आप ठंडा पिलाओ। लो बहन जी वैसे आपके पति करते क्या है? कुछ ना करता भाई साहब ढाली पड़ा रहे यू। ले ये गिलास रख क्या बस कसम फर्जी डिग्री की यो सब काम करेगा जो तू कहेगी वो काम करेगा। है सच्ची मुच्ची जिस तरह कुत्ता अपने मालिक का वफादार होवे ना यो इसी तरह तेरी सारी बात मानेगा। डॉक्टर साहब आपने तो कमाल कर दिया। डॉक्टर साहब मेरी ना एक सहेली है और वो मेरा कहना नहीं मानती आप ना उसके भी इंजेक्शन लगा के उसे कुतिया बना दो। पागल हो रही है मैं ना लगाने का इंजेक्शन उसके। डॉक्टर साहब क्यों नहीं लगाने के उसके इंजेक्शन लगा दो ना। अरे कुत्ते फाड़ देंगे उसे तो मेरे पैसे दे दे अलीगढ़ यहाँ से मरी जान का टाइम हो रहा। अरे तुझे क्या हो गया? अरे कुछ हो भी गया क्या क्या हो गया तुझे? अरे मुझे नहीं उसे। अरे ये मेरी तरफ से
मेरी नजर से आ गया, क्या क्या हो क्या? बाँ बाँ। दमको जी, दमको जी, बाँ। बाँ बाँ। क्या हुआ, क्यों भौंक रहा है? भूख लग रही है। चुपचाप पड़ रहा है, खाना थोड़ी देर में मिलेगा। ठीक है दमको जी। ले खा ले। और दे दो। और ना मिले, इतना ही खाना बहुत है। ज्यादा खाएगा ना तो हगता फिरेगा सारे में। और एक काम करियो, रसोई की सफाई करके ना बर्तन साफ कर दियो। दमको जी सारा काम हो गया। ठीक है अब सो जाओ और सुबह को मुझे चाय बना के दे देना। ये कुत्ता भी कहाँ से आ गया सुबह सुबह परेशान करने। चाय। अच्छा चाय। अच्छा सुन, जाकर सारा काम कर दे और झाड़ू वगैरह लगा दियो सही से सारे में। डॉक्टर धमाल ने भी कमाल कर दिया, तेरी तो जिंदगी सवर गई दमको। दमको जी तब मेरा एक काम कर दो। हाँ बता। उसके धमाल डॉक्टर है ना, उसने कहा है कि मेरे एक पूंछ लगवा दो, मेरे पिछवाड़े में बहुत गुदगुदी हो रही है। जाके अपना काम कर ले जा, यही बहुत है। बड़ा मेकअप सेकअप हो रहा है, खूब खुश लग रही है। अरे सरोज आ बैठ। और सुना दमको, बड़ी खुश लग रही है, तेरा रंग भी निखरा सा लग रहा है, क्या खान लग रही? ये तो डॉक्टर धमाल का कमाल है। हाय राम, तू जॉली को छोड़ के डॉक्टर से लग गई? पहले पूरी बात तो सुन ले मेरी। ऐसा होगा? तू अभी देख। ओए कहाँ मर गया? इधर आइए जरा। क्या बात है? दिखाई नहीं दे रहा, मेरी फ्रेंड आई है, सरोज के लिए पानी लेके आ। अरे दमको एक बात मेरी मानना, तुम मेरा भी एक काम कर दे, ये इंजेक्शन अपने जीजा के भी लगवा देना। बड़ी जिंदगी हराम कर रखी है इन खसमों ने हमारी। तू एक काम कर, कल ना डॉक्टर धमाल के पास चली जाइयो और उससे कहियो कि मेरे पति के भी कुत्ते वाला इंजेक्शन लगा दे।
मैं कल सुबह ही सुबह जाऊंगी और कुत्ते वाला इंजेक्शन लगवाऊंगी। चल अब ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, दमको को फोन लगाती हूँ। हेलो बहन दमको, डॉक्टर धमाल ने तो कमाल ही कर दिया, मेरी जिंदगी स्वर्ग बना दी। वाह मेरी बहन, डॉक्टर का पता मैंने बताया, तेरा सारा काम मैंने कराया और तारीफ तो उस डॉक्टर धमाल की कर रही है। ऐसा ना है बहन, जब से तेरे जीजा को इंजेक्शन लगाया ना, रोबोट की तरह सारा काम कर रहे हैं और मेरा कहना मान रहे हैं। वाह मेरी बहन, अब तो हमारी सारी जिंदगी ना आराम से गुजरेगी। सही कह रही है बहन, मैंने तो सारी औरतों को आस पड़ोस में बता दिया और वो डॉक्टर धमाल के पास गई हैं। ये तो तूने बिल्कुल ठीक करा मेरी बहन, अब सारे मर्द करेंगे घर का काम और हम चश्मा लगाकर पूरे गांव में घूमेंगे। चल ठीक है, बाय। ठीक है। डॉक्टर साहब घोड़ा बन जाऊंगा ना अब तो। हाँ बट जाएगा, ला पैसे दे। जा नर्स, और कोई है? नहीं डॉक्टर साहब, टाइम तो देख लो, रात हो गई है, मैंने सबको वापस भेज दिया कल का टाइम देकर। बढ़िया करा, देखा डॉक्टर धमाल का कमाल और इना पैसों की बारिश। हाँ डॉक्टर साहब, अब तो मेरी सैलरी दे दो। तेरी सैलरी लेके मैं कोई भाग थोड़ी रहा हूँ। एक काम कर, मेरे बुखार सा हो रहा है, इंजेक्शन लगा दे मेरे। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मुंदा पढ़ो। मुंदा पढ़ो? हाँ मुंदा। तू भी सीख गई? मर गया। अरे डॉक्टर साहब आप नहीं, आपका मर्ज मर गया। हाँ ठीक करी। नर्स मुझे क्या हो रहा है? अरे डॉक्टर साहब ये क्या हो गया, मुझसे गलती से ना कुत्ते वाला इंजेक्शन आपको लग गया।